हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है होकअप अचीवमेंट विद दीपाली क्लासेस में। आज हम जानते हैं कि हमारी जो सीरीज है डेली डोज ऑफ पॉलिटी की, उसमें हम जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 जो है केवल एक लौता नहीं है, इससे पहले चार्टर एक्ट कई आए, जो की कब से कब तक में आए, 1793 से 1853 के बीच में। इससे पहले जो इम्पोर्टेंट था चार्टर 1833 वाला, हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं 1853 के बारे में। इसका जो पहला फीचर है कि इसमें जो भी कंपनी का रूल था इंडियन टेरिटरीज पर, उसे एक्सटेंड कर दिया गया और कोई स्पेसिफिकेशन ऑफ टेन्योर भी नहीं दिया गया। स्पेसिफिकेशन ऑफ टेन्योर नहीं दिया गया मतलब जब भी चाहे ब्रिटिशर्स इनके जो भी रूल है उसे खत्म कर सकती है। दूसरी चीज क्या की गई, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो थे गवर्नर जनरल काउंसिल के, उन्हें सेपरेट कर दिया गया। और जो ओपन कंपटीशन था सिविल सर्विसेज को रिक्रूट करने के लिए, उसे भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और इसके लिए मैकुलिक कमेटी बनाई गई 1854 में। वहीं से पहले 1833 वाला फेल हो जाता है इस काम में। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, उसे रिड्यूस कर दिया जाता है, 24 से 18 कर दिया जाता है। यही नहीं, जो हमारी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक बनाई जाती है, उसमें क्या किया गया, 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स को ऐड कर लिया गया। 6 लेजिस्लेटिव मेंबर जो हैं, वो कहाँ से होंगे, वो तो होंगे ही, उनके कुछ ब्रिटिशर्स होंगे, पर लोकल रिप्रेजेंटेशन भी ऐड किया गया। इनके 6 में से 4 हमारे होंगे। कहाँ कहाँ के होंगे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। यही नहीं, 4 हमारे तो 2 उनके, 2 जो होंगे मेंबर्स वो ब्रिटिशर्स होंगे। और ये जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो मिनी पार्लियामेंट की तरह एक्ट करती थी। आज की टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर।